दोस्तों, क्या आप भी अपने मोबाइल को हैक होने से बचाना चाहते हो? क्या आपको भी ये डर है कि आपका मोबाइल जो है वो कोई भी कहीं हैक ना कर ले? दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल को हैक होने से बचाना चाहते हो तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ सेटिंग बताऊंगा, जो सेटिंग जो है वो आपको कुछ सेटिंग जो है वो ऑन रखनी चाहिए और कुछ सेटिंग जो है वो अपने मोबाइल में जो है वो ऑफ रखनी चाहिए, जिससे आपका मोबाइल जो है वो हैक ना हो पाए दोस्तों। और आपको मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अगर आपका मोबाइल किसी ने हैक किया है तो आप कैसे पता कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको मेरी वीडियो के नीचे जो है वो रेड कलर वाला आइकन दिख रहा होगा, उसको सबसे पहले जो है वो आपने वहां पर क्लिक करना है और उसे जो है वो ब्लैक कर देना है। उसके बाद में आपने करना क्या है, उसके बाद में आपने अपनी फोन की सेटिंग को जो है वो ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अपनी फोन की सेटिंग को ओपन कर लोगे, उसके बाद में दोस्तों आपके मोबाइल में जो है यहाँ पर जो है वो गूगल वाला ऑप्शन जरूर से होगा। आपके मोबाइल में गूगल वाला ऑप्शन होगा, अगर नहीं होगा तो आपने सर्च करके जो है वो ढूंढ लेना है। जैसे ही आप गूगल वाले ऑप्शन को ढूंढ लोगे तो आपने वहां पर कर देना है क्लिक। गूगल वाली सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर फाइंड माई डिवाइस वाले ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइंड माई डिवाइस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो दोस्तों सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने जो है वो इस वाले ऑप्शन को जो है वो ऑन रखना है। दोस्तों अगर आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो ऑफ हुआ तो आपने इसे ऑन रखना है, क्योंकि दोस्तों इससे होता क्या है, मान लो कि अगर आपका मोबाइल जो है वो कहीं गुम हो जाता है तो दोस्तों अगर ये आपका ऑप्शन जो है वो ऑन होगा, इससे आपके मोबाइल की लोकेशन जो है वो पता चल जाएगी। अगर आपका मोबाइल जो है वो कहीं खो भी गया है तब भी आपकी लोकेशन जो है, अगर आपकी ये वाली सेटिंग ऑन होगी तब आपकी लोकेशन जो है वो इस सेटिंग से जो है वो पता चल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इस वाली सेटिंग को जो है वो ऑन रखना है। उसके बारे में दोस्तों सेकंड नंबर पर सेटिंग आती है तो आपने यहाँ पर जो है वो डिवाइस एंड शेयरिंग वाले ऑप्शन पर जो है वो क्लिक करना है। दूसरे नंबर पर आता है डिवाइस एंड शेयरिंग, तो आपने यहाँ पर करना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कास्ट ऑप्शन, तो आपने यहाँ पर जो है वो क्लिक कर दें। जैसे ही आप कास्ट ऑप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मीडिया कंट्रोल और कास्ट डिवाइस, तो आपने ये वाले ऑप्शन को जो है वो ऑन रखना है और ऊपर वाले ऑप्शन को जो है वो ऑफ रखना है। तो दोस्तों आपने ये भी सेटिंग मिला लेनी है कि ये आपकी सेटिंग जो है वो ठीक है, अगर ठीक है तब ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इस वाली सेटिंग को जो है वो ऑन कर लेना है। उसके बारे में आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद में दोस्तों आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग फॉर गूगल एप्स, तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर कर देना है क्लिक सेटिंग फॉर गूगल एप्स वाले ऑप्शन पर। जैसे ही आप सेटिंग फॉर गूगल एप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा कनेक्टेड एप्स, तो आपने करना क्या है, आपने कनेक्टेड एप्स वाले ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कनेक्टेड एप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे उसके बारे में दोस्तों आपने यहाँ पर चेक करना है कि आपकी जीमेल से जो है वो आपके गूगल से जो है वो कोई ऐसा ऐप लिंक तो नहीं है जो आपके डिवाइस में जो है वो नहीं होना चाहिए, जो अननोन है, जिसे आप नहीं जानते। मान लो कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी अननोन ऐप दिखता है जिसकी आपके मोबाइल को जो है वो जरूरत नहीं है, तो आपने करना क्या है, मान लो कि आपको कोई अननोन ऐप जो है यहाँ पर दिख रहा है तो आपने उसे जो है वो अनकनेक्ट कर देना है, यहाँ से डिलीट कर देना है। फिलहाल मेरे डिवाइस में जो है वो ऐसा कोई भी ऐप नहीं है जिससे मेरे मोबाइल को जो है वो हानि हो सके। तो अगर आपके यहाँ पर कोई भी ऐसा ऐप होगा तो आपने यहाँ से जो है वो उसे डिलीट कर देना है। उसके बारे में आपने बैक जाना है। मान लो कि दोस्तों आपने यहाँ पर जो है वो सारी सेटिंग कर ली, उसके बारे में दोस्तों आपने करना क्या, अब आप पता करना चाहते हो कि आपका मोबाइल जो है वो हैक है या नहीं है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जो है वो अपने मोबाइल के डायलर पैड में जाना होगा। जैसे ही आप अपने मोबाइल के डायलर पैड में जाओगे उसके बारे में आपको यहाँ पर एक कोड डायल करना है अपने मोबाइल को पता करने के लिए कि आपका मोबाइल हैक है या नहीं है। वो कोड है *#21#, ये कोड जो है वो आपने किसी भी सिम पर से जो है वो डायल कर देने हैं। जैसे ही आप सिम पर से डायल कर दोगे उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर जो है वो शो हो जाएगा, ऊपर की तरफ लिखा हुआ कॉल फॉरवर्डिंग, इसका कोई चक्कर नहीं है, ये यहाँ पर जो है वो ऐसे लिखा होता है। उसके बाद में दोस्तों आपने नीचे की तरफ जो है वो चेक करना है कि आपके सारी ऑप्शन में जो है, जैसे कि यहाँ पर नोट फॉरवर्ड लिखा है, आपने यहाँ पर चेक करना है कि आपके सारी ऑप्शन में नोट फॉरवर्ड है। अगर तो नोट फॉरवर्ड है तब ठीक है, अगर नोट फॉरवर्ड नहीं है तो अगर आपके यहाँ पर जो है वो किसी भी ऑप्शन में फॉरवर्ड लिखा होगा तो आपने करना क्या है, आपने फिर से एक कोड डायल करना है जो है 0021
हैश। ये कोड आपने जो है किसी भी सिम पर से डायल कर देने हैं। जैसे ही आप किसी भी सिम पर से इस कोड को डायल कर दोगे, उसके बाद में अगर आपका मोबाइल जो है वो हैक किया भी होगा किसी ने, तब भी आपका मोबाइल जो है वो अनहैक हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ही ऐसी वीडियो लेकर आते रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।